नमस्ते दोस्तों, मेरी यमी रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सिंघाड़े के आटे का बर्फी, जो व्रत में खाया जाता है, जो काफ़ी आसान है और फटाफट बन जाता है। सिंघाड़े की बर्फी के लिए हमें चाहिए एक कटोरी सिंघाड़े का आटा, आधी कटोरी शक्कर, आधी कटोरी घी, कूटा हुआ बादाम एक चम्मच, गार्निश के लिए आधी गिलास पानी। हाई फ्लेम पे कढ़ाई चढ़ाते हैं, घी डालते हैं, उसे अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं। गर्म हो गया है, अब इसमें सिंघाड़े का आटा डालते हैं और इसे अच्छी तरह से फ्राई करते हैं। तीन मिनट का टाइम लगता है इसे फ्राई करने में। इसमें सौंधा सौंधा खुशबू आने लगे तो आप समझ जाओ कि ये फ्राई हो गया है। और फ्लेम को अभी तो तेज ही रखते हैं। अब इसे कम कर देते हैं, ये भुन गया है पूरी तरह से। अब इसमें शक्कर डाल देते हैं और शक्कर के साथ साथ पानी भी आधी गिलास डाल देते हैं। अब इसे तेज कर देते हैं वापस और इसे बराबर लगातार चलाते हैं। इसमें लम्स पड़ने का काफ़ी डर रहता है, इसलिए लगातार चलाना पड़ता है लम्स निकालते हुए। आंच को तेज ही रखते हैं और लगातार चलाते हैं। अब ये गाढ़ा होने लगा है, अब इसे कम कर देते हैं। देखिए अब ये तैयार होने लगा है। अब इससे घी बाहर जब निकलने लग जाए तो ये बन जाता है पूरी तरह से। ये बन गया है, गैस ऑफ कर देते हैं। अब इसे थाली में घी लगाया हुआ है, अब उसमें ये हलवे को निकाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से फैलाते हैं। और उसमें बादाम का जो क्रच किया हुआ पाउडर है उसको डाल देते हैं। इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए 5 मिनट के लिए। फिर इसे बर्फी के आकार में कट कर लीजिए। देखिए ये कितनी आसानी से बन गया है। व्रत के और भी रेसिपीज़ के लिए मेरी दूसरी वीडियोस को देखिए। वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, शेयर भी करिए। धन्यवाद।